समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की इंटरनेशनल योगा दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और काफ़ी चर्चा हुई इस प्रोग्राम में कि योग क्या है, कैसे इसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे अपने जीवन को हम स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो आज भी इस कार्यक्रम में हम योग ही पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपको मिलवा रहे हैं आचार्य जितेंद्र पुरुषार्थी जी से, जो भारत से आए हुए हैं और योग शिक्षक हैं। आज हमको बताएंगे योग और स्वास्थ्य पर, कैसे हम लाभ उठा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो चलिए, आपको मिलवा रहे हैं आचार्य जितेंद्र पुरुषार्थी जी से। आचार्य जी, हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, आप तो योग शिक्षक हैं और यहाँ पर मॉरिशस में काफ़ी दिन से आप हैं, और हमारे कई जो दर्शक है, जो संस्था है, वहाँ पर जाकर आप योग सिखाते हैं जी। तो आचार्य जी, योग जो है हमारे शास्त्र में बहुत इसके बारे में बताया गया है कि योग से हम 100 साल से भी अधिक जी सकते हैं जी। और योग जो है, जो लोग योग करते हैं कभी बीमार नहीं होते हैं जी। तो आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि योग है क्या। आयुष के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्ते। अभी आपने जो प्रश्न किया कि हमारे शास्त्रों के अंदर योग किसको कहते हैं, हमारे शास्त्रों के अंदर योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा ये पहला सूत्र लिखते हुए कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना, अर्थात जो हमारे मन के अंदर चंचलता भरी हुई है उसको रोकना, रोककर परमात्मा के साथ जोड़ना योग कहलाता है। चित्त की वृत्तियां अगर रुक जाती हैं तो हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, यही योग का वास्तविक अर्थ है। मन को, आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना, ठीक है ना जी। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें चित्त की चंचलता एकदम शांत हो जाती है, वही असली योग कहलाता है। अब सबसे पहले लीजिए, हम जैसे प्रातःकाल उठते हैं, उठते ही शौचादि चले जाएं, पेट को साफ कर लें, उसके बाद किसी भी एक आसन पर बैठकर आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, और उसके साथ साथ भ्रामरी है, शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, ये हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करते हैं। अब जैसे मैंने अनुलोम विलोम का आपके सामने जिक्र किया, वो क्या है मैं आपको यहीं बैठे बैठे ही बता देता हूँ क्या करना है उसमें। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं तरफ से पूरा श्वास को अंदर भरना, बिना रोके पूरा फेफड़ा भरना है, और फिर बाएं को बंद करके दाहिनी तरफ से निकाल देना है। यानी कि पहले राइट साइड को बंद करके लेफ्ट साइड से श्वास लेना और लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल देना। समय के अनुसार 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और इससे करने से क्या लाभ होगा, हमारे नाक के अंदर जब कुछ मांसपेशियां बढ़ जाती हैं और डॉक्टर कहता है जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, हड्डी बढ़ गई है, उसको लाभ देता है। दूसरा, प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है, हम सामान्य तरीके से अपने फेफड़ों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, 25% से लेकर 30% ही हम इन फेफड़ों का उपयोग कर पाते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो फेफड़ों को ज़्यादा कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, और जब हमारे फेफड़ों के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ज़्यादा शुद्ध हवा जाएगी, तो हमारा ब्लड भी ज़्यादा साफ होगा, और हमारा ब्लड साफ हो जाएगा तो हमारा शरीर भी निरोग हो जाएगा। ये प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ है। इसके साथ साथ प्राणायाम हमारे हरेक इंद्रियों पर प्रभाव डालता है, चाहे वो मस्तिष्क हो, आंखें हो, कान हो, हार्ट हो, शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जहां प्राण वायु ना पहुंचती हो। इसलिए प्राणायाम
शुद्ध और स्वच्छ हवा में करना चाहिए, खुले वातावरण में करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन अपने जीवन को संयमित कर लेता है, ठीक है ना, खान पान में, रहन सहन में, आचार विचार में, हर एक प्रकार से वो संयमित कर लेता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, तो 100 वर्ष की आयु जी सकता है। संयम जीवन नहीं होगा तो हम नहीं जी सकते जी। हर एक प्रकार से संयम होना चाहिए, जबान का भी, ठीक है ना जी, वाणी का भी, हाँ, और खान पान का भी जी। और शरीर के अंदर जब तक शक्ति रहेगी तब तक ही हम जीवन जी सकते हैं जी। और कोई रोग ना हो शरीर में, रोग ना हो तभी तो जीवन है जी। रोगी हो गया तो फिर क्या जीवन। आचार्य जी, आप संयम के बारे में बता रहे हैं, संयम जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो ये संयम जीवन है क्या? संयम उसको कहते हैं कि अपने आप को हर एक चीज से कंट्रोल कर लेना जी, सीमित कर लेना, हाँ, ठीक है ना, चाहे वो जीवन का कोई भी पक्ष क्यों ना हो जी, उसके अंदर अपने आप को सीमित रखना, कंट्रोल कर लेना, ये संयम कहलाता है। हम अगर कहीं भी भोजन के लिए भी जाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन के अंदर भी संयम करना, सोने के अंदर भी संयम करना जी, ये हमारे जीवन को लंबा करने वाले एक रास्ता है। मतलब कि डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, हाँ। अनडिसिप्लिन तो कहीं भी नष्ट हो जाएगा जी। अब यातायात, आप सड़क पर जा रहे हैं, जब तक आप संयमित रूप से संयम करके गाड़ी चला रहे हैं, अपने कंट्रोल में गाड़ी चला रहे हैं, तभी तक आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे जी। अगर असंयमित होकर चलेंगे, आपके कंट्रोल में गाड़ी नहीं है, तो कहीं भी आप एक्सीडेंट कर लेंगे जी, तो वो जीवन आपका नष्ट हो जाएगा जी। इसीलिए कहा गया कि जीवन के अंदर संयम होना चाहिए, तभी जीवन लंबा हो सकता है, अन्यथा नहीं। मैं जैसे बात कर रहा हूँ संयम की, तो समय पर उठना, सीमित समय का नींद लेना, भोजन के अंदर भी जितनी भूख है उतना ही भोजन करना, ठीक है ना, अधिक भोजन नहीं करना, और मिर्च मसाला अनमिश भोजन नहीं करता हूँ। अनमिश मतलब कि जो निरामिश, हाँ। जो हम जिसको नॉन वेज कहते हैं, हाँ। वो मैं भोजन नहीं करता हूँ, हाँ। मेरे शरीर के अनुसार मैं देखता हूँ कि हाँ भोजन के अंदर क्या मेरे शरीर के अनुकूल, मैं उसको प्राप्त लेता हूँ जी। जो मैं समझता हूँ कि हाँ मेरे शरीर को ये अनुकूल नहीं है, मैं उसको नहीं खाता हूँ जी। ये अपने अपने वश में होता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे रहना, शरीर को चलाना है। कपाल भाती, कपाल कहते हैं खोपड़ी को, सिर को। इस प्राणायाम को करने से हमारे मस्तिष्क को विशेष प्रभाव असर होता है, और ये प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर अगर मोटापा है, चर्बी चढ़ गई है, उसको भी दूर करता है। तो मैं आपने के सामने बता रहा हूँ कैसे करना है। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए श्वास को सामान्य तरीके से लेना, जैसे श्वास जा रहा जाने दीजिए, और बाहर निकालते टाइम थोड़ी सी शक्ति लगानी है। इस प्रकार जितनी देर आप कर सकते हैं करें। सामान्य तरीके से इसको भी शास्त्री यही कहते हैं, 5 मिनट से 7 मिनट तक हम इसको कर सकते हैं। श्वास सामान्य तरीके से लीजिए और निकालते टाइम थोड़ी सी शक्ति लगा दें। यही कपाल भाती है, और कपाल भाती में केवल पेट को ही अंदर खींचना है, बाकी शरीर एक प्रकार से स्थिर रखना, केवल पेट के जो नाभि प्रदेश है उसको ही प्रभावित विशेष करता है। इस प्राणायाम से अगर हमारे कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उसको भी ये लाभ देता है।
अरे प्राणायाम करना शरीर को लाभ ही देता है, नुकसान नहीं देता। इस प्राणायाम से पेट को विशेषकर फेफड़ों को लाभ मिलता है, बल मिलता है और हमारे मस्तिष्क को भी इससे प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें ये प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। खाली एक दिन कर लेना, दो दिन कर लेना लाभ नहीं देगा। अगर हम प्रतिदिन योगासन प्राणायाम करते रहें तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, निरोग रहेगा। भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे अभी हमने कपालभाति किया, कपालभाति के अंदर श्वास को नॉर्मल तरीके से लिया गया और निकालते समय थोड़ी सी शक्ति लगाई। इसमें दोनों तरफ से शक्ति लगानी है। मैं आपके सामने बता रहा हूँ कैसे करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए सामने देखना है, मैं जब से घर त्याग कर गुरुकुल में आया हूँ लगभग 40 वर्ष हो गए मेरे को जी। और जब से मैंने योग और प्राणायाम को अपने जीवन का एक अंग बना लिया तब से मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ, मतलब कि कोई भी बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं है। हाँ, सामान्यतः मौसम परिवर्तन के अनुसार सर्दी खांसी जुकाम हो जाए वो अलग बात है, वो बीमारी नहीं कहलाती। कभी भी बुखार नहीं, कभी भी किसी प्रकार का मुझे और कोई रोग अब तक नहीं मिला कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े। उसके पीछे एक ही कारण रहा कि मैंने अपने भोजन को कंट्रोल किया जी। अपनी दिनचर्या को ऐसे व्यवस्थित किया कि मैं सवेरे उठता हूँ, शौचादि से निवृत्त होकर आधा घंटा योगासन प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और मेडिटेशन करने के बाद मैं अपनी दूसरी दिनचर्या में लगता हूँ। तो ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि जो मैंने योग के माध्यम से प्राप्त किया है। अच्छा। कि मुझे स्वास्थ्य मिला, आज मेरी उम्र लगभग 64 वर्ष होने को आई और 40 वर्षों से मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। हाँ। तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है, मेरा संयम, खान पान और योगासन और प्राणायाम। आज हम क्या करते हैं, ना तो समय पर सोते हैं, ना समय पर भोजन करते हैं, और समय पर भोजन नहीं करेंगे तो रोगी होंगे, जरूर है, निश्चित है। समय पर नींद नहीं लेंगे, पूरी नींद लेंगे तब भी रोगी होंगे, ठीक है ना। रात्रि को 10 बजे के लगभग सो जाना चाहिए और प्रातःकाल 4:15-4 बजे उठ जाना चाहिए। उसी के अंदर आपका दिनचर्या, अपने आप की दिनचर्या बना लें कि मुझे इस समय उठना है। जैसे हम किसी भी कार्यालय में काम करते हैं तो हमारा समय वहाँ निश्चित है कि हमें इस समय वहाँ पहुँचना है और इस समय हमारी वहाँ से छुट्टी हो जाती है। तो वहाँ का जो दिनचर्या वो हमारी निश्चित है। अगर हम रात्रि को देर तक काम करेंगे वो भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ठीक है ना, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, न कि अनुकूल। जी। तो रात्रि को ज्यादा देर तक काम भी ना करें। जी। प्रयास करें कि आपका 10:15 बजे तक कार्य समाप्त हो जाए और आप बिस्तर पर सो जाएं जाकर। जी। उससे ज्यादा जागेंगे क्योंकि परमात्मा ने रात्रि को सोने के लिए बनाया है, न कि काम करने के लिए। जी। काम करने के लिए दिन पर्याप्त है, आप दिन भर काम कीजिए। हाँ। उसी से हमारी दिनचर्या बन जाएगी। ऐसे ही अपने जीवन, पूरे जीवन की दिन भर के दिनचर्या को निर्धारित कर लें कि मुझे इस समय उठना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना, संध्या करना, यज्ञ करना और फिर अपने दूसरी दिनचर्या में लग जाना है। ये संयम कहलाता और यही शरीर को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा तरीका है। भ्रामरी प्राणायाम के अंदर पूरा श्वास को अंदर भर कर और नासिका से जैसे भंवरा बाग के अंदर, बगीचे के अंदर उड़ते हुए आवाज करता है वैसे ही आवाज निकालना है।
आचार्य जी, आज के युग में हम देखते हैं कि बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, सब तनाव से जीते हैं, तनाव में रहते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए एकदम हानिकारक है। तनाव लेना ही नहीं चाहिए। लोग कहते हैं अपना आ जाता है, मैं नहीं मानता उस चीज को। अच्छा, हाँ। हम जब इस संसार में नहीं थे तब भी तो ये संसार चलता था, अब जब संसार में रह रहे हैं तब भी संसार चलेगा, हम क्यों तनाव ले रहे हैं? ये हम तो तनाव लेकर अपने शरीर को और रोगी कर रहे हैं, न कि स्वस्थ कर रहे हैं। इसलिए तनाव को जहां तक हो सके दूर से, जितना हो सके आप अपने शरीर से कार्य कीजिए, जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा शरीर से काम लें, ताकि रात्रि को सोने से पहले ये शरीर ऐसा हो जाए कि आपको सोते ही, बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाए। अच्छा। ये तनाव को दूर रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम तनाव को दूर नहीं रखेंगे तो दिमाग में चंचलता बनी रहेगी, कोई ना कोई विकार बना रहेगा और हम रोगी हो जाएंगे। जी। और आप जैसे कह रही हैं, अगर हम तनाव ले रहे हैं, तनाव लेते लेते एक दिन वो स्थिति आएगी कि हम किसी कार्य को करने लायक ही नहीं रहेंगे, तो फिर क्या शरीर का लाभ होगा? तो दूसरों के पर आश्रित हो जाएंगे। जी। दूसरों पर आश्रित होंगे तो दूसरों को तनाव मिलेगा, तो दूसरे हमारे कारण परेशान होंगे। तो इसलिए अपने शरीर को तनाव मुक्त रखें, जितना आपसे कार्य हो सकता उतना करें। अब हम शीतली प्राणायाम करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, अपनी जिह्वा को थोड़ा सा बाहर निकाल कर हल्का सा गोल कर लेंगे और इसी जिह्वा से श्वास को खींचना है, जितना आप खींच सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, और निकालते टाइम नासिका से ही श्वास को बाहर निकालें। ये शीतली प्राणायाम है। अब इसी के साथ एक और प्राणायाम करेंगे, शीतकारी। उसमें क्या करेंगे, सामने के दांतों को मिलाते हुए दांतों से ही श्वास को अंदर खींचना, ये दोनों प्राणायाम शीतली और शीतकारी गर्मी को समाप्त करते हैं। मस्तिष्क के अंदर गर्मी है तो उसको भी धीरे धीरे समाप्त करेंगे। कहीं भी अगर शरीर के अंदर अगर हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हम इसको कर सकते हैं। प्राणायाम करते एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो पेट संबंधी अगर किसी ने ऑपरेशन कराया है, हार्ट का ऑपरेशन कराया है, या वो माताएं बहनें गर्भवती जो हैं वो इन प्राणायाम को बहुत ही सामान्य तरीके से करें, भस्त्रिका ना ही करें तो अच्छा है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, योगासन और प्राणायाम हमारे शरीर का बहुत अनुकूल है और प्रभाव अनुकूल ही प्रभाव डालते हैं। जैसा कि मैंने अनुभव किया कि हम योगासन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। आइए बैठकर कुछ योग के आसनों की मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। ये आसन जो है कमर के लिए, पेट के विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी है। कैसे करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर ले आएंगे, श्वास को अंदर भरते हुए हाथ ऊपर ले जाना, छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे पकड़ेंगे, उस
श्वास लेते हुए वापस धीरे धीरे ऊपर आना है। आप जितना नीचे जाएंगे उतना ही लाभकारी होगा। आप ध्यान रखें जब नीचे जाएं तो हाथ सीधे ऐसे ही रहें, यानी कि हाथ तो नीचे चले अगर सिर आपका ऊपर है, नहीं, सिर भी साथ चला जाए वही लाभकारी होगा। जहाँ हमारे कमर के जो मांसपेशियों के अंदर प्रभाव डालता है, पेट के अंदर अगर किसी प्रकार का भी रोग है उसको भी लाभ प्रदान करता है। इसलिए इस आसन को करना भी हमारे लिए लाभकारी है। अर्ध सेतु आसन, जैसे आधे पुल का निर्माण हो जाता है वैसे ही अपने शरीर की आकृति को बनाना। ये आसन पेट के लिए, कमर के लिए और पैरों की जंघाओं नसों के लिए विशेष प्रभावकारी है। उसी तरह श्वास को अंदर भरेंगे और पूरे शरीर को हाथों पर उठा देंगे, पैरों के पंजों को सामने की तरफ खींचते हुए अपने शरीर को जैसे आधा पुल निर्माण है उसी स्थिति में ले आएंगे। छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह है अर्ध सेतु आसन। अभी एक दो मैं आसन और आपको बता रहा हूं जो हमारे पाचन शक्ति के लिए लाभकारी हैं। पहला आसन है वज्रासन। अब धीरे धीरे पैर को मोड़कर पीछे से अंगूठे मिला लीजिए और एड़ियों को बाहर निकालते हुए एड़ियों पर बैठ जाइए। ये आसन वज्रासन कहलाता है। हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, भूख को भी बढ़ाएगा। अगर रात्रि को इस आसन को आप अवश्य कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन प्राणायाम भोजन के पश्चात नहीं करना है, केवल इसी आसन को आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं। इसी पे दूसरा आसन करेंगे हम, पेट के विकारों के लिए लाभकारी कुर्म आसन। कुर्म कहते हैं कछुए को। उसकी स्थिति क्या है, दोनों हाथों की मुट्ठी सामान्य बंद कर लेंगे ऐसे और अपने नाभि पर रखेंगे। श्वास को पूरा अंदर भरना, पेट को खींचना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर। लेते हुए वापिस। यह आसन भी हमारे कब्ज आदि रोगों को दूर करता है। इसी का दूसरा रूप है, दोनों कोहनियों को ऐसे मिलाएंगे और नाभि पर रखना। श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाना। ये पेट को कम करते हैं, कमर के अंदर अगर चर्बी चढ़ी है उसको भी दूर करता है, साथ साथ हमारे हार्ट को भी बल प्रदान करता है। छोटे बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, उनको योगासन और प्राणायाम जरूर करने चाहिए और उसके साथ साथ वह अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा समय निकालकर बैठकर ध्यान भी करें। जहाँ प्राणायाम योगासन हमारे शरीर को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं, वहाँ मेडिटेशन भी मस्तिष्क को ठीक रखता है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। और जो बच्चे कम याद कर पाते हैं उनको इतना ही कहूँगा कि वह हमेशा प्रतिदिन प्राणायाम और मेडिटेशन करके अपने बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। अभी हाल ही के दिनों में मुझे समाचार मिला कि भारत के अंदर जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसने अनेक रोगों पर योगासन और प्राणायाम का शोध किया है
और उस शोध कार्य के अंदर उन्होंने रोगियों पर जो परीक्षण किया उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की है उनके रोग के निवारण के अंदर। इसलिए योगासन और प्राणायाम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, जिससे हम निरोग रह सकें और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती रहे। यही आपसे निवेदन करूंगा। आप सभी का धन्यवाद। इन सब बातों पर अगर ध्यान देंगे तो अवश्य स्वस्थ रहेंगे और सब वर्ष भी अधिक आप जी सकेंगे। तो इस तरह प्रोग्राम देखते रहिए, हम एक और आयुष प्रोग्राम लेकर फिर आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से आप सबको नमस्ते। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् शांति शांति।